नहीं अभी रहने दो। हेलो दोस्तों, हाय, माय यूट्यूब चैनल बेबी 000 में आपका दिल से स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो प्लीज दोस्तों हमारे साथ बने रहें आप लोग। और देख सकते हैं दोस्तों हम अभी कहाँ बैठे हुए हैं, अपने नए मकान में बैठे हैं। और हमारे नए मकान का ये माल का पहला दिन है, और जो कि अभी हम सेट साट नहीं किए हैं कुछ भी, बस यूं ही बैठ गए हैं। माल उनका आया हुआ था कंपनी से, तो हम पहले उनका माल बनाते हैं और बाकी भी सामान सामान मुझे बहुत सारा वहाँ से लाना ही है, लाए नहीं है। तो आज हमारा लड़का वहाँ पे गया था, तो हम माल थोड़ा सा मंगवा लिए हैं बनाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत दिन हो गया और उनको ज़रूरत भी है। तो भी धीरे धीरे हम शेयर शूट करते रहेंगे, और बाकी जो है ना थोड़ा सा माल है उनका पड़ा हुआ, तो हम बना के दे देते हैं उनको सबसे पहले। और दोस्तों देख सकते हैं हम कहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल इस कोने में बैठे हुए हैं ज़मीन पे, और बनाने लग रहे हैं। पूरा हॉल है ये खुला, और हम यही कोने में बना रहे हैं दोस्तों। और देखिए गर्मी लगती है तो पीछे हम कूलर चला लेते हैं, और भी फ़ोन चार्ज नहीं था तो यहीं पे हमने चार्ज किए हैं फ़ोन को, देखिए यहाँ लगा हुआ है। और उसके बाद हम ऊपर लगा रखे हैं कूलर का प्लग, और उसके बाद ये हमारा मशीन का प्लग है, जो ये मशीन जो है ये देखिए दोस्तों ये मशीन। तो हम यही साइड में बैठे हुए हैं और देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा, हमारा नीचे ही सब कुछ फैला हुआ है, देख ये सारा ऐसे है रखा हुआ। और इधर देखिए उस कोने में भी थोड़ा मंदिर वाला सामान सा है, और कुछ हमारे मेकअप का सामान वामान का जगह भी नहीं है, सेट ही नहीं किए हैं, तो इसलिए वही कोना में पड़ा हुआ है। देखिए बच्चे का वो पड़ा हुआ, ऐसे ही है दोस्तों फिलहाल, तो ऐसे धीरे धीरे हम सेट करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। बाकी उधर से सामान आ जाएगा ना, अभी अलमारी है, फ्रिज है, वहीं बेड वहीं पे है, मतलब बहुत सारे सामान अभी तक वहीं पे हैं, और आधा ले आए समझिए और आधा वहीं पे बाकी है। तो इसीलिए अब क्या करें, थोड़ा सा जैसे कि माल मंगवाए थे तो हम यहाँ पे बैठ गए, और देखिए वहाँ पे हम बैक कैमरा से दिखा, ये देखिए दोस्तों हम ऐसे ही फेंक रखे हैं माल को। ये अभी हम थोड़ा सा ही पीस मंगवाए थे, ज़्यादा नहीं बोले थे, बोले थे हम बच्चों को जो 50 पीस ला दो तुम, वहाँ से भारी होता है ना दोस्तों ये, तो हम 50 पीस मंगवाए थे, मैं बोले थोड़ा ला दो बना लेंगे, तो बच्चे शायद 70-80 पीस ले कर आए थे। और इधर देखिए सामान सामान है हमारा ऐसे ही, और देख इधर ही सिलेंडर यही लेके आया है, पानी का डब्बा है, और हमारा बेटा स्कूल जाने के लिए तो तैयार हो गया, पर उसके पास जूते नहीं थे तो जूते भी लाया है देखिए। और दोस्तों पता है जो बच्चे हमारे कपड़े यूज करते थे, वो यूज वाले कपड़ा जो है ना हम इस ढंग का लाए थे यहाँ पे, जैसे कि कुछ जब वो नहीं था तो हम चादर में देखिए बांध के लाए थे, हमको ऐसे पड़ा हुआ है। और इसके अंदर से जो है ना, इसके अंदर से ढूंढना था, स्कूल जाना था बच्चों को तो मिल नहीं रहा था, इसी के अंदर से वो ढूंढा है। और दोस्तों बच्चे तैयार तो हो गए थे स्कूल जाने के लिए, तैयार हो गए थे स्कूल जाने के लिए, अब तैयार वार हो गए, अब 20 मिनट बचा हुआ था स्कूल जाने के लिए, तो पता चला जो जूते ही नहीं है, अब क्योंकि हम बहुत सारे समय अभी जूते उते तो वहीं पर रखे हैं तो लाए नहीं है। तो फिर हमारा लड़का क्या किया, जल्दी जल्दी तैयार हुआ और मुँह ऐसे करके बना लिया और चला गया लेने, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है ना, 10 मिनट लग ही जाता है जाने आने में, तो बच्चे भी थक ही जाते हैं। तो फिर क्या करें, बोल दिए, मैं बोली थी जो बच्चे को अभी नहीं जाओ आज कल से चले जाना, लेकिन माना नहीं, नहीं मम्मी कई दिन से छुट्टी हो गया है तो जाना पड़ेगा, तो इसलिए जो है ना फिर वो चला गया था, जूते ले आया गुस्से में होके। और फिर हम क्या करें, फिर अपना नहाए धोए हैं और अपना माल बनाने बैठ गए हैं। और ये भी काम जरूरी है ना दोस्तों, क्योंकि सबको, क्योंकि बच्चे का स्कूल भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, हस्बैंड जी को भेजना, ये तो सेट सूट तो होते ही रहेंगे समझिए दोस्तों, क्योंकि एकदम से तो हो नहीं जाएगा, धीरे धीरे ही सेट करेंगे ना। और करते करते 10 दिन तो लग ही जाएगा मुझे ये सब काम करने में, सेट करने में, जल्दी जल्दी तो होगा ही नहीं। और उनका माल वाले भैया का फोन आया था, जो भाभी बना दिए क्या, तो मैंने सारी बात उनको बताई हूँ, और उन्होंने बोले ठीक है जो आप बना दो। मैं बोली क्या, जो आप, मैं इस रूम पे लेके आ रही हूँ माल को, अगर आप ले जाओगे तो देख लो। तो उन्होंने बोल दिए जब भाभी आप बना दो, मैं वहाँ से गाड़ी से ले आऊँगा माल। तो जहाँ हम बना रहे थे माल, तो वहाँ से जो उनका कंपनी जो है ना, वो कंपनी मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, ओनली 2 मिनट, और मैं यहाँ पे जहाँ पे आई हूँ तो उनके कंपनी से कम 15-20 मिनट लग जाएगा, 15-20 मिनट अगर पैदल आएंगे तो, और बाइक से आएंगे तो ज़्यादा नहीं टाइम, बाइक से 2-4 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो फिर मैंने पूछ ली थी उनसे जो भैया आपका माल बना दूँ या ना बनाऊँ, या आप यहीं से ले जाओगे वापस, तो उन्होंने थोड़ी सी आइडिया मुझसे पूछे थे जो कहाँ पे है ये लोकेशन, तो मैंने उनको लोकेशन बता दिया यहाँ पे है। तो उन्होंने बोला कि जो कोई बात नहीं भाभी आप बना दो, हम ले आएंगे, आप टेंशन ना लो। तो बस ऐसे बना रहे हैं, और देखिए थोड़ा सा बनाए,
ये देखिए दोस्तों, ये देखिए इतना अभी बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए हैं, इतना ही बनाए हैं अभी, क्योंकि अभी हम बैठे थे काम वाम करके तो इसीलिए। और ये भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है नहीं मंगवा लेंगे फ़ोन करके। और दोस्तों देखिए मशीन, ये तो मेरा क्लचर। और दोस्तों मेरे पास कैंची नहीं था, मैंने कैंची जिस माल से बनाती थी, जिस कैंची से, वो कैंची भी वहाँ छूट गया था और भूल गई। अब क्या करूँ क्या करूँ, किससे काटे हैं, छोटा सा कटर था, फिर याद आ गया जो एक हमारे पास एक्स्ट्रा कैंची पड़ा हुआ है, ये माल काटने वाला ही कैंची है, तो हम फिर इसी से शुरुआत कर दिए। हाँ, क्योंकि ये जो है ना उसी कंपनी का कैंची है, ये इतना ये बहुत ज़्यादा भारी, और देख सकते हैं पीछे से कैसे ये बांध रखे हो उन्होंने, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज़्यादा काटना पड़ता है ना, तो फिर हाथ दर्द होते हैं, और इसका वजन भी ज़्यादा है। और अब मेरे पास जो कैंची है तो मेरे कपड़ा काटने की कैंची है, तो कि उससे मैं माल बनाती हूँ कपड़ा काटने वाला से, और उनका है तो ये है जो माल काटने वाला है, हर तरह के माल काटते, तार भी काटना पड़ता है तो इससे तार भी कट जाते हैं, मतलब उस ढंग का ये कैंची है दोस्तों। और समझ में नहीं आता रहता है कुछ भी, जो जैसे यहाँ पे कैसे क्या करें, कहाँ सेट करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, थोड़ी सी कर लेते हैं, फिर अपना बस लग जाते हैं, फिर हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजते हैं, उनको भी ड्यूटी जाना है, वो नहीं जाएंगे तो फिर जो सुबह शाम भोजन करते हैं वो कहाँ से होगा। और जिम्मेवारी जिनकी ये चीज़ है, जिम्मेवारी से जो दिए हैं भैया माल बनाने के लिए, उनको भी तो हमें देना पड़ेगा, इस चीज़ को तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। और जब नए मकान में शिफ्ट हुए हैं तो 10 दिन तो लग ही जाते हैं सामान सामान सेट करने में, क्योंकि ऊपर और नीचे में दोनों मंजिल पे सेट करना है सामान, तो फिर लग जाता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे है। 2 दिन तो हम नीचे ही खाना बना के खाए थे दोस्तों, इस कोने में, यहीं पे कोने में 2 दिन तक हम खाना यहीं पे बनाए थे, 3 दिन, 2 दिन 3 दिन, हाँ 2-3 दिन बनाए थे, और कलम ऊपर डाल दिए जाके, तो मेरे हस्बैंड भी डांट रहे थे जो ऊपर क्यों डाल दी हो, पैर दर्द हो जाएगा तुम्हारा नीचे ऊपर करते हुए, क्योंकि सामान सेट है नहीं, बोले क्या नीचे ही रख लो और जब सामान वान सेट हो जाएगा तो तुम ऊपर कर लेना, बट अब ऊपर कर दिए हैं तो फिर क्या करें, करना तो पड़ेगा ही किसी न किसी तरह, फिर खाना वाना बना दिए हैं और फिर ऊपर ही है। तो चलिए दोस्तों, फिर मुझे आप लोगों से थोड़ा सा बात करना था और ये दिखाना था आप लोगों को, जो जैसे कि कहाँ है कैसे हम कर रहे हैं, तो इसीलिए। और चलिए, ये छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको खास बात ये है, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग खुश रहे, खुशियाँ बांटते रहे, हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने, और मैं बहुत अच्छा अच्छी चीज़ें आप लोगों तक प्रेजेंट करती रहूँगी, कैसे क्या कैसे होता है हमारे मकानों का, ये सब चीज़ें तो मैं आपके साथ करती रहूँगी शेयर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू हमारी यूट्यूब फैमिली।